अभी आप यहाँ कामिंग किए हैं क्या, आज सर्दी में क्या चल रहा है? अभी हम लोग को कुछ पगमार्क मिले हैं, अच्छा, जिसको हम लोग अभी पता करवाएंगे कौन सा जानवर है भेज। अच्छा, अभी ये क्योंकि अभी एकदम पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि नहीं, और गांव वालों सहयोग चाहिए, जहां हमको लोकेशन दिखे किसी जानवर की संभावना की वहां हमको बताएं, सूचित करें, फिर हम वहां पे केज लगवा के उसको पकड़वाएंगे। कल तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति की हुई मौत, मौत के बाद वन विभाग जगह और कामिंग के लिए यहाँ देखें काफ़ी लोग हैं, पुलिस विभाग भी है, वन विभाग के लोग भी लगे हैं। चल लाल बहादुर, उसको फोन करके पूछो ड्राइवर को। ये देखिए, ये वाली गाड़ी देखिए, इधर आइए, मंगल में एक जगह से और इनपुट है, देखें काफी लोग हैं, ये लोग वन विभाग की टीम आई है, पुलिस विभाग भी है मौके पर, ये कामिंग कर रहे हैं, अभी जगह पर गए थे लोग। वन विभाग से सर, अभी कहाँ क्या सर्च करके आए हैं आप, जहाँ पे घटना हुआ था कुछ साहब, कहाँ है? हाँ जी नमस्कार, वहाँ पे है रेंजर साहब, कहाँ है, गाड़ी में बैठे हैं? मेन वहाँ वहाँ जाइए आप, वहाँ पे जाइए। सर जी कहाँ बैठे हैं आप, कहाँ हैं? और वो आप ही आपके बाद चल, जो आए हैं बाकी रहेंगे हमारे शाम तक, हाँ शाम तक नहीं, उसमें से दो को रखिए, हाँ जी सर, अभी आप यहाँ कामिंग किए हैं क्या, आज सर्दी में क्या चल रहा है? अभी हम लोग को कुछ पगमार्क मिले हैं, अच्छा, जिसको हम लोग अभी पता करवाएंगे कौन सा जानवर है भेज। अच्छा, अभी क्योंकि अभी एकदम पुष्टि नहीं हुई है, पुष्टि नहीं, और गांव वालों सहयोग चाहिए, जहां हमको लोकेशन दिखे किसी जानवर की संभावना की वहां हमको बताएं, सूचित करें, फिर हम वहां पे केज लगवा के उसको पकड़वाएंगे। अच्छा, हम लोग देख ही रहे हैं कौन, अभी देख ही रहे हैं अभी आप, हमने ड्रोन कैमरा की व्यवस्था कर दी है, यहाँ 24 घंटे रुक रही है, गाँव वालों को सतर्क किया जा रहा है, क्योंकि गाँव वालों की सुरक्षा सबसे प्राथमिक है, बाकी हम लोग उसको भेजे हैं रिसर्च से, वो पता चलेगा कौन सा जानवर हो सकता है, अच्छा, उस हिसाब से उसको पकड़ने की प्रक्रिया आप लोग देखें, उससे कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो उसमें बिल्ली भी हो सकती है, डॉग का भी हो सकता है, बारिश की वजह से थोड़ा सा फैला, अच्छा ये समस्या, इसलिए तो क्लियर नहीं हो पा रहा, हाँ इसीलिए क्लियर नहीं हो पा रहा है। आप हैं रेंजर साहब यहाँ के, क्या नाम है, शुभ नाम आपके हैं? सोनल वर्मा, रामनगर रेंजर, तो देखें अभी वन विभाग की टीम यहाँ आई है, ये लोग कामिंग कर रहे हैं, फिलहाल अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि किस जानवर का है। आपका क्या नाम है? हमारा आपका संपर्क पहले फोड़ा से आप गलत संपर्क में, बताइए नाम बताइए। हमारा नाम मोहिनीदीन चतुर्वेदी है, मैं मेहनिया रामदत्त का निवासी हूँ, और कल दिनांक 25 अगस्त को पहले दिन शुक्रवार के नमाज पढ़ने के लिए मुनव्वर हुसैन जो नमाज पढ़ने के लिए खड़क बहादुर शाही जा रहे थे, रास्ते में तकरीबन 12:30 या 11:15 के अंतराल में तेंदुआ ने हमला कर दिया, गांव में पूरा आक्रोश है, अतः जो है पुलिस विभाग व वन विभाग से निवेदन है कि वो यहां पर जो है नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी लगाएं, गांव में आक्रोश फैला हुआ है। नहीं तो अभी तो वन विभाग की टीम भी है, पुलिस विभाग की टीम यहाँ है, मौके पर प्रेजेंट है अभी तो, हाँ यहाँ पर ड्रोन हमला भी लगाया जाए, तहकीक की जाए, क्योंकि जानवर जो आज इनके ऊपर हमला कर दिया तो हो सकता है आपके ऊपर भी कर सकता है, हमारे ऊपर कर सकता है, इसलिए सरकार से वन विभाग पुलिस से निवेदन है कि यहाँ पर ड्रोन हमला लगाया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये वन विभाग की टीम भी यहाँ देखिए अभी आई थी, ये लोग सर्च कर रहे हैं, और कहीं भी ये सर्च करने जा रहे हैं का? अभी डेंगरा गाँव जा रहे हैं लोग, तो ये कल का घटना है, कल भी कोई आया था यहाँ आजकल? जी जी हाँ, कल रात में आए थे, तकरीबन 2:30-3 के दरमियान लगभग आए थे, वन विभाग पुलिस टीम आई थी, यशो साहब भी आए थे, और वन विभाग के क्षेत्र अधिकारी महोदय साहब भी आए थे, तमाम लोग आए थे, और लोग अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन यही मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ड्रोन हमला लगाया जाए और यहाँ पर कैमरा लगा करके सर्च किया जाए। जी 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 सर, ओके थैंक यू। तो ये यही आगे जगह है जहाँ हमला हुआ था, वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे।
वन विभाग की टीम भी अलग सर्च करने जा रही है। अभी देखें जहां कल घटना हुआ था, तेंदुए ने मारा था, हम उस स्थान पर पहुंच गए हैं और ये गन्ने का खेत है। इसी चक्रोड जो सामने चक्रोड दिखाई पड़ रहा है, इस चक्रोड से जो वो आए थे और आगे गांव पे नमाज पढ़ने जा रहे थे जी। अच्छा, और यहाँ ये बगल से गन्ने के खेत में देखे जहाँ ये आप खड़े हैं, यही घटना हुआ है जी सर, यही खून लगा हुआ, ब्लड यही है। अच्छा, ब्लड वहाँ है जी जी। अच्छा, लाश भी वहीं पड़ी थी? लाश भी यहीं पड़ी थी। उसके बाद एक घंटा डेढ़ घंटे के बाद इन्फॉर्मेशन दिया गया तो गांव ग्रामीण के लोग आए, चार पाई पे ले गए। अच्छा, हाँ तो ये घटना है। कौन सा गांव है ये? ये जहाँ नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, सामने वाला गांव खड़क बहादुर मेहदिया खड़क बहादुर शाही लगता है। हाँ। और ये मेहनिया रामदत्त के निवासी थे जिनका नाम मुनवर हुसैन 70 साल। अच्छा अच्छा, तो तेंदुआ इसी जगह पर हमला किया था जहाँ की अभी ये बता रहे हैं, और वो जगह पर ही वो एक्सपायर कर गए थे। यहाँ पर एक्सपायर कर गए, ये ब्लड का निशान है और यहाँ पर फुटप्रिंट भी लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत से निशान भी यहाँ लगा। अच्छा, उसके पदचिन्ह इसमें लगे हुए हैं, यहाँ पर इस धान के खेत में बता रहे हैं पदचिन्ह उसके लगे हुए हैं। टीम भी अभी जाँच करके गई है। अच्छा, और रात हम लोग डेंगराहा पहुँचे हैं और यहाँ भी लोग सर्च कर रहे हैं। बूंदी बूंदी गोड़ा वोड़ा पे ऐसे ऐसा मतलब रहा, ऐसे गोड़ा नहीं तो फिर आप कैसे इसको कह रहे हैं? आप ऐसे जैसे चीना चीना रहा, हमारे वही मोड़बे के एकदम रहा। कहाँ गया? इधर खेत में निकल गया। अब हमारे तालाब है, चक्कर में फिश कैट। हाँ, फिशिंग कैट ही लग रही है जैसा ये बता रही है, इतना बड़ा तो फिशिंग कैट। आगे तालाब है, वहाँ मछली उछली बहुत बड़ा तालाब है, तो वो फिशिंग कैट ही यहाँ का। चलिए, फिर भी सावधानी बरतिए, दोबारा अपने घर में रहें, बाहर में लिख लो कहीं साहब का बता देना भैया। आपके जो क्षेत्रीय प्रभारी है उनका नंबर, प्रेस रिपोर्ट नंबर है, नंबर लीजिए, आप इनका नंबर ले लीजिए, जैसे कोई दिखे दोबारा कुछ तो तुरंत बताइए, नंबर अपना बता दीजिए, नंबर बताओ। बाकी इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो फिशिंग कैट का ही है। फोटो खींच रहे हैं भाई, आप लोग को मदद करनी पड़ेगी, फोटो वीडियो कुछ तो दीजिए हम लोग को, कोई भी हो फोटो खींच लेना, खींच के इसी फोन व्हाट्सएप पर। ठीक है, वहाँ इधर कहीं देखो, ये डेंगराहा का डड़वा गांव है और इस गांव के कुछ लोगों ने रात में बता रहे हैं कि उसको देखे हैं। ये देखे हैं तो उसका शकल कैसा है, कितना बड़ा है, कैसे क्या है, वो सारी जानकारी हम स्वयं इन लोगों से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कल यहीं पास डेंगराहा के पास का ही मेहनिया दत्त गाँव का एक व्यक्ति का जो है वो मर्डर कर दिया था, मार दिया था जान से, और रात में यहीं आसपास ही ये गांव है और इस गांव के पास के लोग बता रहे हैं कि हम लोगों ने भी देखा है। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा पांचू नाम। पांचू, ये कौन सा गांव है? ये डड़वा लगता है, इसे डेंगराहा में पड़ता है। डेंगराहा में पड़ता है। रात में आपने क्या देखा? रात में उसी को देखा हूँ कि इस तरफ से निकला, लाइट थोड़ा जल रही थी। हाँ। बकर दूर हम सब बैठे थे। हाँ। आए देखे, जब तक बैटरी मंगाते तब तक निकल गया। हाँ। और निशान वहाँ पर लगा हुआ है, उसका निशान उसका लगा है, पैर का निशान, पैर का निशान लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, आपने क्या देखा, कैसे देखा, कुछ शकल भी देखा आपने? ना, हम वो देखे थे, लोहा लोहा रहा था। लोहा लोहा कितना बड़ा रहा होगा? इतना बड़ा रहा। अच्छा, उतना बड़ा रहा? हाँ। हैं? बिल्ली से बड़ा था? बिल्ली से बड़ा ढेर रहा, बिल्ली का हुआ, मैं सब बिल्ली नहीं देखे। तो क्या लकीर उसमें बना हुआ था? हाँ। चितकाबर लकीर बना हुआ था, चितकाबर ऐसा रहा, मतलब लोहा ऐसा रहा। अच्छा, और यहाँ तक मुँह होकर फाट रहा। अच्छा अच्छा, जब तक हमें सब दौड़े ना तब तक कोई निकल गए। अच्छा, आप लोग दौड़े पीछा किए? हाँ, उसका सब पीछा किया ना। अच्छा, थोड़ा सा पत्ती दिखाएं कहाँ लगा हुआ है। अभी ये डेंगराहा का डड़वा गांव है और बता रहे हैं रात में यहाँ जो वो है आया था वो, और इन लोगों ने देखा है। देखिए इस तरह से ये अच्छा, निकल के गया हुआ। अच्छा, ये पदचिन्ह जो है सामने लगा हुआ है, उसका पदचिन्ह तो बड़ा है फिलहाल, लेकिन वन विभाग के लोगों का कहना है कि इससे कन्फर्म नहीं हो जा रहा है। ये यहाँ भी पदचिन्ह लगा हुआ है,
सारी रात रेंजर से हमारी वार्ता हुई। रेंजर ने कहा है अभी इसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको हम सर्च करवाएंगे कि कौन सा जानवर है। वैसे उन लोगों का ज़्यादातर विचार है कि ये फिश कैट जानवर है। उन लोगों को है कि यहाँ तेंदुआ घूम रहा है। ऐसे स्थिति में आप लोग क्या सेफ्टी बरत रही हैं? छोटे छोटे बच्चों को लेकर के इस तरीके से घूम रहे हैं, आप लोग कोई सेफ्टी बरत रहे हैं? डर लग रहा है तो छोटे छोटे बच्चे लिए हो और बाई देवे तेंदुआ आ ही जाए, मान लीजिए यहाँ बाग में से आ जाए, कहीं से आ जाए, तो आप अपनी सेफ्टी करेंगी या बच्चों की? थोड़ा सा ये जानते हुए केयर करना चाहिए ना आप लोग। आप लोग प्रधान का नंबर है ना आप लोग के पास घर में? प्रधान